Yes, yes, I know the project is of utmost importance, and we will finalize deal in a week. Of course, good work. Yeah. Okay, bye bye. See you then. Shruti, kahan hai yaar dinner? Jaldi aa, warna main aaunga belt leke. Sorry, aaj tabiyat kharab hai. तो लेट हो गया, आप स्टार्ट करो, मैं रोटियां लाती हूँ। इधर आ। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। अरे गलती करती है, फिर जवान लड़ाती है। मेरी तबीयत खराब थी आज, दोबारा ऐसे नहीं होगा, सॉरी। माफी, माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सोलिया उठ। अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ एक ही रात में? अब रोज ऐसा ही होगा, साले बहुत हो गई तेरी। अब तुझे मैं बताऊंगी, फिलहाल जा मेरे लिए चाय बना के ला जल्दी। पागल हो गई है क्या? पागल तो नहीं, पर हाँ ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था। चल अब शराफत से चाय बना के ला, वरना आज तुझे तशरीफ रखने में काफी दिक्कत आने वाली है। ओए सुन, आज ऑफिस से जल्दी आना, डिनर बनाना है तुझे, और उसके पहले बर्तन भी धोने होंगे। और हाँ, आज पनीर खाने का मन है, तो डार्लिंग लेते आना। यार रात तक जो मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, उसे आज हुआ क्या? और मुझे क्या हुआ यार, मैं क्यों उस पे हाथ नहीं उठा पाया, क्यों उस पे हावी नहीं हो पाया, क्या हो गया है मुझे? कल तक मेरी हाथ से डरने वाली, आज मुझे डरा गई। आ गए, चलो फ्रेश हो जाओ और लग जाओ काम पे। सुनो, ये जो तुम सुबह से कर रही हो ये बहुत गलत है। हुआ क्या है यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट। ओह, तो तुम्हें बात करनी है, मुझे क्या हुआ है? ये टिट फॉर टैट हो रहा है। जो काम अब तुम कर रहे थे अब वो मैं कर रही हूँ। इट्स ऑल कर्मा बेबी, नाउ डोंट वेस्ट टाइम, यू आर लेट। रोहित कहाँ है यार, रोटी भूख लगी है, जल्दी लाओ, आऊं वरना मैं बेल्ट लेके। साले कामचोर, रोटी नहीं बना पाया। सॉरी थोड़ी जली है। थोड़ी थोड़ी नहीं, ये पूरी जली है। सॉरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गलती की है ना, अब भुगत। श्रुति।
मैं माफी के काबिल तो नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो अपनी गलतियां सुधारने का। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी गलती? कुछ मत बोलो, बस मुझे माफ कर दो। अब तुम फ्रेश हो जाओ, इतने में तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के लाता हूँ। सुनो, I forgive you। इंसान की फितरत है कि जब तक कोई चीज़ या कुछ गलत उसके साथ ना हो तब तक उसे एहसास नहीं होता, तो इसीलिए इंसान दूसरे के साथ कुछ भी गलत करने से पहले खुद को सामने वाले इंसान की जगह पर रखकर सोच ले कि उस पर क्या बीतेगी, तो शायद वो दूसरे के साथ कुछ गलत करने से बच जाए। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस आज के समाज की एक बहुत अहम समस्या बन गई है। इस समस्या से औरतों को निकालने के लिए काफ़ी एनजीओ अपना काम बखूबी कर रही हैं। ऐसे ही एक एनजीओ है सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो दिल्ली क्षेत्र में काफ़ी सालों से दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलकर घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ ही नहीं बल्कि उन औरतों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, एम्ब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑफिस वर्क की ट्रेनिंग देकर उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार दिलाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है। सोफिया महिलाओं को जागरूक कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम पूरी ईमानदारी के साथ पिछले कई सालों से बखूबी कर रही है, और ये सब उस नारी शक्ति के लिए जिसके सम्मान में कुछ भी कहना या करना तुच्छ है। अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती हो रही है तो आप ज़रूर सामने आएं, आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं, और दिल्ली महिला आयोग हमेशा आपके साथ है। आप कृपा करके हमको 1181 नंबर पे फ़ोन करें, टोल फ्री नंबर है, आप हम तुरंत कोशिश करेंगे कि हम आपके पास पहुँचें और आपकी मदद करें। दिल्ली महिला आयोग इसमें आपको सहयोग कर सकता है, और इसमें अंत तक आपकी लड़ाई में हम हिस्सा लेंगे, और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। कि दिल्ली में कानून काफ़ी सख्त है, अगर आप इस तरीके का कुछ करते हैं, किसी महिला को मारते हैं, तो फिर आपके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। एक महिला का अधिकार है कि वो एक डिग्निटी की ज़िंदगी जिए, उसको किसी को भी मारने का कोई अधिकार नहीं है।